अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम माय चैनल। वी आर डिस्कसिंग अबाउट बायोलॉजी टर्म्स। नेक्स्ट टर्म है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का मतलब, पैलन का मतलब है फॉसिल्स, ठीक है। पैलेंटोलॉजी यानी फॉसिल्स की स्टडी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नाउन एज पैलेंटोलॉजी। फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जब से ज़मीन बनी है, अर्थ पर एटमॉस्फेयर नॉर्मल हुआ है, पहले जो भी एनिमल्स थे, अगर उनके ढांचे या कोई भी, या उनका पाँव का निशान कुछ भी मिलता है, तो वो फॉसिल कहलाता है। ये फॉसिल जो है वो लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री लेयर लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही बनते हैं फॉसिल्स, ठीक है। उस पर लेयर बाय लेयर आ जाते हैं। अगर ये फॉसिल्स वाटर में भी हैं, तो इसके ऊपर जो है वो सैंड वगैरह ऑक्यूपाई कर लेते हैं उसको, जो भी ऑर्गेनिज्म की लास्ट मार्क रह जाएगा उसको, ठीक है। सोशल बायोलॉजी, इसमें हम सोशल बिहेवियर पढ़ते हैं, नाम से इंडिकेट कर रहा है, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कम्युनियल लाइफ, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स का सोशल बिहेवियर पढ़ते हैं, उनकी कम्युनिटी में कि वो किस तरह का उनका रहन सहन वगैरह सब कुछ आ जाता, ठीक है। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम की स्टडी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द इम्यून सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी वगैरह की स्टडी। नेक्स्ट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जिस तरह अब प्रोटीन हासिल किया जाता है बैक्टीरिया से, आप टॉपिक पढ़ेंगे सिंगल प्रोटीन, ठीक है। वी गेट ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम बैक्टीरिया। उसके अंदर जीन्स वगैरह की ट्रांसफ़र करवा के बैक्टीरिया से हम हॉर्मोन्स ले लेते हैं, वेक्टर ऐड करेंगे। बहुत लंबा प्रोसीजर आप पढ़ेंगे आगे बुक्स में। बायोकेमिस्ट्री, इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोलते हैं। स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ सच एज वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, इनका स्ट्रक्चर, फंक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन में ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी रिलेटेड टू फ्रेश वाटर बॉडीज़। फ्रेश वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं? लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ठीक है। इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इनमें कौन कैसी लाइफ पाई जाती है, ठीक है, और उनके पैरामीटर्स या कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं। मेरीन स्टडी, मेरीन में हमारे पास सी और ओशन शामिल हो जाता है। स्टडी ऑफ मेरीन लाइफ एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी एक्टिंग एज फैक्टर्स, उसमें कैसी लाइफ पाई जाती है, कैसी फिशेज हैं और उनके मोड ऑफ लाइफ क्या है, मतलब कि उनमें जो है उनकी नीड्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या चीज़ उनको इफ़ेक्ट कर रही है, वो फैक्टर्स जो हैं वो मेरीन बायोलॉजी में पढ़े जाते हैं। ये कुछ बहुत बेसिक टर्म्स हैं, ये बीएस के लिए भी हैं और इंटर में भी इनके एमसीक्यूज आ सकते हैं। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नाउन एज एंटोमोलॉजी। मेमेकोलॉजी, ये बीएस के टर्म्स हैं। स्टडी ऑफ मॉलस्क, मॉलस्क एक इन्वर्टिब्रेट है, उसकी स्टडी को हम मेमेकोलॉजी बोलते हैं, मेलाकोलॉजी। और कॉनकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ मॉलस्क शेल, ये एक इनकी एक क्लास जो है वो शेल्ड है, बायवेल्विया उनकी क्लास है, वो शेल्ड एनिमल्स की है, तो उनके शेल के स्टडी के लिए कॉनकोलॉजी उसको बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। हर्पेटोलॉजी जो है, स्टडी ऑफ रिप्टाइल्स एंड फॉसिल्स, ओ सॉरी एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। एम्ब्रियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ज़ायकॉर्ड टू बर्थ, ठीक है। स्टडी ऑफ एक ज़ायकॉर्ड से लेके जब तक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता, बर्थ नहीं हो जाती उसकी, उस तक की डिवेलपमेंट को हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, एम्ब्रियो की डिवेलपमेंट को। इक्थियोलॉजी है वो स्टडी ऑफ फिशेज हैं। प्रोटोजोलॉजी जो है स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ,
मैमोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ मैमल्स हैं, एंड साइटोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, सेल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जैसे कि आरबीसी का स्ट्रक्चर पढ़ना, आरबीसी का फंक्शन पढ़ना, किडनी सेल्स यानी कि नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ना और उनका फंक्शन पढ़ना, ये सब कुछ साइटोलॉजी में आ जाता है। प्रोटोजोआ में हमारे अमीबिया, पैरामीशियम, ये वाले जो हैं स्पीशीज़ इसमें इंक्लूड होते हैं, इन्हें प्रोटोजोआ बोलते हैं, यानी इनकी स्टडी को हम प्रोटोजोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग, एंड लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।